मेन मोटिव यह है जेडे कि प्रधानमंत्री साहब ने तीन ऑर्डिनेंस पास किए ने जिमीदारों के खिलाफ, क्योंकि जिमीदार छोटा कारोबारी वाला मजदूर ये असं सारे ही वो आए हैं। असी किसान के पुत्र होने करके असी किसान पूरी मदद देने वास्ते अभी सारे ही सबका सैनिकों के नाल मोटे ना मोटा ला के करे धरना जी। इस करके असं लाया क्योंकि मैं खुल के कहना चाहूँगा इस चीज़ बारे कि सब तो पहला तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये जिस तरीके ये ऑर्डिनेंस पास करी किए गए जिस तरह मैं पहला शुरू किया भी ये दोनों पार्टियां ही इस चीज़ के बारे पता सी, अकाली पार्टी को भी पता सी, कांग्रेस को भी पता सी, उन्होंने इस चीज़ के बारे पता सी। पर उन्होंने अगर इस चीज़ का मुद्दा पहला उठा दिता हों, अगर वो पहला इस चीज़ को जाकर कर देंगे होंगे अब तो महीना या महीना दो महीने पहला इस चीज़ को जाकर कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ अज हो रही है वो चीज़ शायद ना हो। तो इस करके दूसरा मेरे वीरों इन्होंने बहुत ही एक बेईमानी के नाल साडा एक वो चीज़ तरीके ने इन्होंने मौका चुका लिया, क्योंकि करोना चल रहा है इस दौरान के बिलों के उत्तर ना तो कोई बहस होगी, ना उन्होंने क्वेश्चन आंसर होंगे, ना कोई वह कोई हो कोई अपना कोई चीज़ होगी। इस करके हुण मौका है कि इस चीज़ को अपना जनम पास करा लिया जाए। इस करके आसानी के नाल इन्होंने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इन्हों बिलों अपने पास करवा दिता। और मैं ये चीज़ कह तो नहीं भुलागा, हमेशा मैं अपने वीर साथी साथियों को ये चीज़ कहना कि जो साढ़े पहला प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुए हैं उन्होंने एक नारा दिता सी जय जवान जय किसान, लेकिन इस सरकार ने इस मोदी सरकार ने इन साढ़े दोनों नारियां किसानों भी मिट्टी से मिला दिता, तो सानू भी मिट्टी मिला दिता। जे अब असं कसमां खाने कि असी इन्हों के नाल खड़े हाँ, किसानों के नाल खड़े होवे, जिथे भी सानू जाना पेगा असी जन तक अपने मन तक की अपनी बाजी लाने तैयार हाँ। असी किसानों के नाल रहेंगे और असी इस अपना गौरमेंट का विरोध करते हैं।